ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे यहाँ पर और पीछे से हाथ खड़ा कर रहे थे जी। माननीय ने सवाल खड़ा किया कि साहब सड़क पे राह चलते लड़ाई हो जाती है तो क्या हड़ताल पे उतर जाएं? मैं कह रहा हूँ यदि सरकार की छत के नीचे इस तरह की कोई एक्टिविटी होती है तो हड़ताल होती है। अब सचिवालय में जाके किसी आदमी की कॉलर पकड़ लीजिए, पूरा का पूरा सचिवालय सड़कों पर उतर आएगा। तो सरकार की छत के नीचे जब इस तरह की एक्टिविटीज होती है तो हड़ताल होती है, राह चलते इस तरह की हड़ताल नहीं होती। नहीं, मुझे लगता है एक जो मेरा सवाल था वो अलग है। जब हम सरकार की छत के नीचे रहते हैं ना तो हमारी मानसिकता भी वैसी बन जाती है कि हड़ताल कर लो सरकार दबाव में आ जाए। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाई है, सरकार अपनी जिम्मेदारी। हम निजी छतों के नीचे होते हैं ना तब ऐसा नहीं होता। निजी छतों के नीचे होते हैं, निजी छतों में ना वहाँ सुरक्षा के माकूल प्रबंध होते हैं और कोई साल में एकाध कोई घटना हो जाती है, वो कई गलती कर देता है। गलती कर देता है तो हम पिटते रहे उसके लिए। मैं मरीजों की सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाई है ना। आपका आपका बात लॉ एंड ऑर्डर की कैसे नहीं है? आप बात कर रहे हैं आपका हॉस्पिटल प्रोटेक्शन फोर्स का। क्या सुनिए, हॉस्पिटल प्रोटेक्शन फोर्स का बिल क्यों नहीं ला रहे हैं? आप अपनी बात कहिए, कानून बनाइए उसके लिए। आपने कानून बना दिया, उसके अंदर आपने बनाने के बाद पिटाई नहीं होगी। आपने उसके कानून के अंदर फ्लॉस क्यों डाला है? चलिए चलिए, डॉक्टर साहब क्या 302 किसके डॉक्टर साहब कानून अपनी आप मेरी बात सुनिए ने कानून एक्टिविटी करेगा आपने। उधर पीछे एक बार माइक दे दीजिए, लेकिन मैं सवाल पूछूंगा आपसे, आपसे वापस आऊंगा। लेकिन अभी डॉक्टर्स को स्ट्राइक करने से पहले अपने कर्तव्य को याद करना चाहिए। राजस्थान सरकार को भी अपने नर्सिंग छात्रों को लेकर के एक स्पेशल फोर्स तैयार करनी चाहिए, जो आने वाले टाइम पे यदि लोग स्ट्राइक करें तो वो फोर्स काम करे उस जगह, डॉक्टरों की जगह वो फोर्स काम तैयार करे, वो काम करे और ये डॉक्टरों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। डॉक्टर राम प्रसाद जी आपके पास एक बार माइक उनको दे दीजिए, फिर आता हूँ आपके पास। अब बात कह रहे हैं कानून बनाने के, कानून बना दीजिए, कानून बना दिया। क्या 302 कानून हमने 1948 में बना दिया था, क्या अब तक हत्याएं रुक गई इस देश में? यही मैं कहना चाहता हूं कि ये संविधान, अपने हिंदुस्तान का संविधान बहुत लचीला है, इसको तोड़ मोड़ सकते हैं। संविधान सरकार बनाती है, सरकार के हाथ में क्या, सब कुछ क्या, होता सब, है। सब सब मैं एक बात कह रहा हूं, डॉक्टर्स को सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सोशल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटिक्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी माइक्रोलॉजी सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं। एक सब्जेक्ट और यदि जोड़ दिया जाए लॉ सब्जेक्ट, तो डॉक्टर्स कभी मात नहीं खाएंगे। अच्छा, मतलब अब लॉ सब्जेक्ट डॉक्टर पढ़ लें तो कानूनी रूप से थोड़े कानूनी रूप से और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे। तो क्या आप क्या चाहते हैं कि हड़ताल होती रहे, ये आप पक्ष की बात कर रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हड़ताल कभी भी नहीं हो, हड़ताल नहीं हो। आप लॉ इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं कि हड़ताल मारपीट ये होती रहे तो हम भी मुकदमों में लड़ते रहें, सरकारों को लॉ सिखाते अभी, रहें। अभी भी डॉक्टर का क्या डॉक्टर का ये काम है? राम प्रसाद जी साहब ने यही कह रहे थे कि 24 घंटे मैं आपसे पूछता हूँ, डॉक्टर का क्या ये काम है? क्या इस पेशे के क्या ये सब काम करने के लिए हम इस पेशे में? मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर 24 घंटे जब सेवा करता है, 24 घंटे में से मुश्किल से वो 6 घंटे सो पाता होगा। वो किस तरीके से अपनी सोशल एक्टिविटी को, किस तरीके से अपने इलाज की एक्टिविटी को, किस तरीके से वो अपने मॉर्निंग और इवनिंग एक्टिविटी को वो मैनेज करता है और उसके अंदर कोई आके थप्पड़ मार देता है तो अभी हम सब है ना, हम सब जितने लोग बैठे हैं धरती का भगवान कहते हैं, अभी यही कहा गया कि एक ने थप्पड़ मार दी तो क्या हो गया? तो एक किसी एमएलए के किसी मंत्री के एक जने थप्पड़ मार के तो देखो क्या होता है, वो पता लग जाता है। डॉक्टर साहब क्या एमएलए मंत्री डॉक्टर जब 24 घंटा सेवा करता है तो एमएलए भी वैसे ही सेवा करता है, वो भी समाज सेवी है। एक बार पीछे चलता हूँ, क्या एमएलए मंत्री इनकी कतार में डॉक्टरों को भी रख दें? उनको कोई भगवान नहीं कहता उनको? डॉक्टर साहब अगर एमएलए मंत्री नेता की बात करेंगे, वेद प्रकाश पटेल कैसा पिटा एक सामान्य नागरिक। एक मिनट, आज मुझे इस बात से सुनकर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कि जिन्हें हम भगवान के पूजन करते हैं, भगवान के समान मानते हैं और वो राजनीति मानने की बात करते हैं, एक सब्जेक्ट राजनीति चाहते हैं। उनका पैसा शुरू से जो जनता के लिए सेवा के लिए दिया गया है और आज वो राजनीति की बात करते हैं। और दूसरी बात मुझे शर्म की बात आती है, अपने कर्तव्य निष्ठा को भूलकर और हमें सरकार पर थोपना। आज मेरा कर्तव्य है सिर्फ जनता की सेवा करना। मैं खुद उस समय बीमार था, हॉस्पिटल में था, मैंने देखा कितने मरीज उसमें नीचे धरती पर लेटे हुए और याद कर रहे कि कब डॉक्टर आए, और डॉक्टर आए और डॉक्टर अपनी डॉक्टर को ये याद नहीं है, डॉक्टर को ये याद नहीं है कि मेरा काम क्या है। वो अपने एक कॉफी चार्ज करने के लिए कोई उनका मूल समस्या नहीं है।
उनकी कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए हड़ताल कर सके। एक कॉफी जांच करने के लिए, एक कॉफी जांच करवाने के लिए ये हड़ताल पर जाती है, इससे बड़ी और शर्म की क्या बात होगी। चलिए, मैं चाहता हूँ इससे बड़ी कोई शर्म की बात नहीं होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कॉलेज मेडिकल कॉलेज में जब प्रवेश लिया जाता है तो डेस प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, उस प्रोस्पेक्टस में एक एमसीआई की गाइडलाइन तय की जाती है। उस एमसीआई की गाइडलाइन को पहली बात तो बीच सत्र में बदला ही क्यों गया, और अगर उस एमसीआई की गाइडलाइन को बीच सत्र में बदला गया तो उस एमसीआई की गाइडलाइन को बदलने में जो नियम उन्होंने बदले हैं, उन नियमों को आप जनता की जो परेशानी है उनमें आप क्यों लेकर आ रहे हो? आप उस चीज़ को शिक्षा व्यवस्था पे क्यों नहीं लेकर आ रहे? शिक्षा व्यवस्था पे आप हड़ताल क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार से भी सवाल है, रेजिडेंट से भी है। चलिए, आपकी आपकी बात समझ गया नवल जी। चलिए आप बोल लीजिए, फिर मैं नवल जी के पास। देखिए, अभी इन्होंने प्रश्न उठाया कि एसएमएस हॉस्पिटल या कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ पे मरीज बेड नहीं मिलते। आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि भारत में जीडीपी का, भारत में आपने बोल चुके ना, आप नहीं, आपने ये भी कहा। चलो मैं ये भी मान लिया। आप देखिए, जो भी हेल्थ सर्विसेज की पॉलिसीज बनाते हैं वो सिविल सर्वेंट होते हैं। अभी आपने रिसेंट में राजस्थान में देखा कि बिजली प्रसारण कंपनियां थी, उनका घाटा हुआ। पहले यहाँ पे ब्यूरोक्रेट लगाए थे, 3 ब्यूरोक्रेट थे, उनका अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ तो उनको हटा के टेक्नोक्रेट लगा दिया गया। अब आप बात सुनिए, जब हेल्थ सेक्टर में पॉलिसीज हैं वो आप परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं तो आप क्यों नहीं, जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्यों नहीं ला सकते? आप जो हेल्थ सेक्टर के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको पॉलिसी मेकिंग में क्यों नहीं ला सकते, और रेजिडेंट्स को भी जो उनकी जो सजेशन है वो क्यों नहीं ले सकते? ये चलिए नवल जी आपके पास आ रहा हूँ। उन्होंने जो सुझाव दिया है, सुझाव तो है उनका एक सीधा सा है कि भारत में सरकारों के लिए स्वास्थ्य प्राथमिकताओं का विषय ही नहीं रहा। ये आप सही कह रहे हैं। वैसे तो देखिए, स्वास्थ्य जो एक ऐसा सब्जेक्ट है इसको तो सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, मगर नहीं दी जा रही है और नहीं दी गई, निश्चित रूप से ये गलत बात है। अब जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और जो अब होना चाहिए वो निश्चित रूप से इस तरह होना चाहिए कि ये स्वास्थ्य सेवाओं को निश्चित रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए और अपने संसाधनों को बढ़ाते हुए और लोगों के परमार्थ में इसको काम करना चाहिए। चलिए, ये हमारे साथ डॉक्टर सी बी यादव साहब प्रोफेसर है। सी बी यादव साहब, माइंड सेट की बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले, कोई कह रहा था माइंड सेट की बात है। मैं अभी भी उसी माइंड सेट पर घूम रहा हूँ कि हम सरकारी व्यवस्थाओं में होते हैं तो माइंड सेट अलग होता है। दूसरी बड़ी चीज़ उन्होंने कहा कि कोई अगर MLA को थप्पड़ मार जाए, कोई नेता को थप्पड़ मार जाए, नेता का नाम लेते ही आदमी पहले उसके नाम से पहले भ्रष्ट लगा देता है, गाली के बिना बात ही नहीं करता। आपका नाम अगर डॉक्टर लिया जाता है तो आदमी भगवान मानता है, ये अंतर है आप में और उसमें, ये आप में और उसमें अंतर है। इसलिए उसके थप्पड़ और आपके थप्पड़ की एक मत कीजिए इसको जमीन पर। यहाँ पर आप देखिए कि प्रॉब्लम्स क्या है। प्रॉब्लम्स ये है कि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन देखिए, आप ये जितनी भी बातचीत हो रही है, मुझे तो कई बार याद था कि इस देश की व्यवस्था पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हड़ताल को कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड कर रखा है, हड़ताल असंवैधानिक है। अच्छा, भारतीय संविधान से बड़ा संविधान और भारतीय संविधान से कठोर और स्पष्ट संविधान इस दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया के सारे संविधान निर्माता इस बात को मानते हैं और हम कहते हैं हमारा संविधान बड़ा लचीला है। नहीं, शायद मुझे नहीं लगता संविधान लचीला है, हमारी संस्कृति में प्रॉब्लम है। डॉक्टर आकाश माथुर कुछ कह रहे थे। डॉक्टर माथुर, ये इन्होंने जो एक बात उठाई है ना वो एक बड़ी है कि हम कल्चरली ढल गए हैं अब स्ट्राइकों के, हम कल्चरली ढल गए हैं आंदोलनों के, और सरकार भी ढल गई है। सरकार तब तक नहीं सुनेगी जब तक आंदोलन नहीं करो, और सरकार दूसरे को तरीका दिखा दिया कि इनकी मांग हमने मान ली, तुम भी आंदोलन करो। ये एक रास्ता दिखाती है। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यदि हम इस चीज़ पर चर्चा करें कि हड़ताल जायज़ है या नाजायज़ है, तो इस चीज़ में कोई चर्चा का विषय नहीं बनता है। हड़ताल किसी को भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन सरकार को भी ये समझना चाहिए कि वैसे मजबूरी ना है। जहाँ हमने एक बात करी कि साहब पिटाई तो सड़क पर भी होती है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, तो साहब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जब पहली बात तो 10 बार हॉस्पिटल में पिटाई होती है तो 1 बार स्ट्राइक होती है। उसमें भी दूसरी चीज़ है, वो 1 बार कब होती है कि जब किसी हमारे रेजिडेंट का, ऑप्थेल्मोलॉजी के एक रेजिडेंट का आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ दिन पहले उसका हाथ तोड़ दिया गया। अब आपके लिए तो वो सिर्फ लड़ाई है, लेकिन उसके हाथ की यदि 2 उंगलियाँ जो फ्रैक्चर हुई हैं, उसका रिपरकशन उसके लिए है कि वो माइक्रोस्कोपिक सर्जन है, उसका पूरा करियर खराब हो गया। दूसरी चीज़, मैं संरचना की बात उठाई, संरचनाएँ जब तक नहीं सुधरेगी, यदि 20 रेजिडेंट डॉक्टर आज मेरे हॉस्टल में ऐसे हैं जिनको कि TB हो गया है,
तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संरचना का सुधारना जरूरी है। तीसरी चीज़ शिक्षा, आप थीसिस की बात करते हैं, यहाँ भेजेंगे वहाँ भेजेंगे, अब आपके यहाँ पे राजस्थान में हमें एक थीसिस बनाने के लिए 20% रेफरेंस भी नहीं मिलते हैं। यहाँ क्लिनिकल मटेरियल खूब है और मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ कि क्लिनिकल मटेरियल की जहाँ बात होती है, पेशेंट्स की बात होती है, तो राजस्थान कहीं ना कहीं दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे है। लेकिन जहाँ हम रिसर्च वर्क की बात करते हैं, शोध कार्य की बात करते हैं और एकेडमिक्स की बात करते हैं, उसमें हमारा डब्बा पूर्णतः गोल है। तो जब तक आप हमें ई लाइब्रेरी नहीं दोगे, ई जर्नल नहीं दोगे, रेफरेंसेज नहीं दोगे कि जिससे हम रेफरेंस ला सकें अपनी थीसिस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आपको तो अब हम उपयोग लेते हैं ना, अब हम हमारे अस्पतालों में मरीजों को देखने के लिए रेजिडेंट की जो एजुकेशन पर वर्क था वो केवल हॉस्पिटल के लोड पर शिफ्ट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपकी जो चीज से मुझे समझ में आ रहा है कि आप भी लक्ष्मीकांत जी, ये काम नहीं है रेजिडेंट का, हम स्टूडेंट हैं, बिल्कुल नहीं, रेजिडेंट स्टूडेंट है जिसको वहां पर स्टडी के लिए आया है, लेकिन रेजिडेंट 12 घंटे। दूसरी चीज, यहाँ पे जो सेवा का पेशा है ना, पेशेंट को ही सिखाया जा रहा है, बाकी सब बंद है। आशीष जी, कहीं ना कहीं इस चीज़ को हमें समझना होगा कि हम चाहे कितना भी आज रोलें, रेजिडेंट की हड़तालों पे रोलें, इस पे रोलें, उस पे रोलें, एक चीज़ हर आदमी को समझना होगी कि जिसको आप भगवान आज कह रहे हो, आज हमने सेवा के इस पेशे को शोषण का पेशा बना दिया है कि साहब रेजिडेंट सेवा करें वो करते हैं, लेकिन उनका शोषण तो ना हो। क्या सेवा के पेशे में शोषण होना जायज़ है? ये प्रश्न मैं सभी सरकारों से करता हूँ और सभी राजनीतिक दलों से करता हूँ। चलिए सीधे एक बार लक्ष्मीकांत जी आपके पास आता हूँ, पीछे से हाथ खड़ा कर रहे थे बहुत देर से, उनके पास चलता हूँ फिर आपके पास आता हूँ। सर, मैं हूँ मतलब ऋषपाल पारिक, वार्ड नंबर 4 से। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आंदोलन और हड़ताल जो होती है ना, दबाव में गवर्नमेंट दबाव में आ जाती है और उनकी मान लेती है और उसमें जनता फिसती है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को तो बोर्ड टूट रहे हैं और विपक्षी जो रहती है गवर्नमेंट, वो चाहे कि ये हड़ताल चले, इसमें जनता का हमेशा नुकसान होता है। हड़ताल चलने के बाद में गवर्नमेंट उसकी मान लेती है, तो इसके लिए कोई दूसरी ऐसी न्याय प्रक्रिया या वो मतलब न्यायपालिका में ऐसा होना चाहिए कि हड़तालें और आंदोलन को तो बंद करना चाहिए जिससे मतलब इस प्रक्रिया पे रोक लगे। चलिए अब आपको भी मैं एक बार रोकूंगा इसलिए कि आप इस बातचीत को हम सीधे लेकर चलेंगे। जिम्मेदार कोई भी हो सकता है, जिम्मेदार कोई भी पक्ष हो सकता है, झुका कोई भी पक्ष हो सकता है, लेकिन भविष्य में ऐसा नहीं हो उसके लिए क्या सबके मन में सुझाव है, हम सीधे चलते हैं उनके पास। जी, क्या सुझाव देना चाहेंगे? मतलब कोई भी इससे हटके जो न्यायपालिका है ना, गवर्नमेंट है या कोई और दूसरी ऐसी जो वो है ना, वो ऐसी प्रक्रिया को हल करे, क्योंकि गवर्नमेंटें को तो वोट के आगे में झुकना पड़ता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आंदोलन और हड़ताल से जनता फिसती, और सुनो, जनता का किसी भी आदमी का आदमी खत्म होता है, जिसका किसी का भाई बहन कोई खत्म होता है उसको गुस्सा आ जाता है, तो वो कोई हल्की बात बोल देता है कुछ ऐसा, तो इनको तो भगवान मानते हैं, इनको तो थोड़ा बहुत संयम तो रखना। सुशील जी, सुझाव पर आइए। मेरा सुझाव तो ये है, आप सुन लीजिए, ये डॉक्टर जो है ये सुन लीजिए एक बार, पक्के भगवान नहीं बने, अभी अधकिचरे से भगवान है ये रेजिडेंट्स वाले। यदि पूरा नॉलेज ले लेंगे तो इनको समझ में आ जाएगी कि ऐसे नहीं करना चाहिए कोई मरीज, तो इनको भी थोड़ा सा कोई अध्यात्म के जरिए इस बात को सुलझाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे भगवान जो मरीज आया ना, ये इनका अन्नदाता है। यदि मरीज आने बंद हो जाएंगे तो इनकी दुकान बंद हो जानी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, इसका समाधान यही कि सरकारों के बीच में और इनके बीच में एक ऐसा तारतम्य, ऐसा समझ से बैठना चाहिए कि ऐसी हड़ताल वाली नौबती, और कोई रास्ते भी हो सकते हैं विरोध करने के, और कोई रास्तों पर भी, और पीछे से सुझाव। जी देखिए, सारी समस्याएं इसलिए है कि यहाँ सरकारी अस्पताल SMS में प्रेशर मरीजों का बहुत ज़्यादा है, पूरे राजस्थान के लोग यहाँ आते हैं। मेरा ये कहना है कि हर जिले में सारी सुविधाओं से युक्त एक एक अस्पताल होना चाहिए ताकि बाहर के लोग यहाँ नहीं आए, और समस्या सारी यही है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और डॉक्टर कम है, लोड को कहीं लोड बहुत ज़्यादा है, रेफरल इंस्टीट्यूट होना चाहिए, और पेशेंट इतने परेशान हो के आते हैं, कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि डॉक्टर पे कोई भी व्यक्ति हाथ उठाएगा, शायद ही कोई व्यक्ति उठाए, लेकिन हो सकता है वो इस मजबूरी में आ गया हो, उसका पेशेंट मर रहा हो, प्रेशर उसका इलाज नहीं हो रहा हो, प्रेशर को कम करना पड़ेगा। जनमंच जनता की आवाज में आज हमने चर्चा की पिछले दिनों हुई रेजिडेंट डॉक्टर की हड़ताल पर, और सबसे बड़ी बात, सबसे अहम बात जो निकल कर इस पूरी चर्चा में सामने आई वो है संवेदनशीलता। वो सबको अपने मन के अंदर रखनी होगी, चाहे वो सरकार हो, चाहे मरीज हो और चाहे डॉक्टर हो, सबको अपने मन के अंदर संवेदनशीलता और संवादहीनता को ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाकर हड़तालों का स्थायी समाधान होगा। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाज़त, नमस्कार।